श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना 22 सितंबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म मुंबई ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर पर है। हसीना भी अंडरवर्ल्ड डॉन थी। उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हसीना 5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन थी। वो मुंबई से ही विदेश में बैठे अपने भाई दाऊद इब्राहिम का अवैध बिजनेस देखती थी। 6 जुलाई 2014 को हसीना की मौत हो गई थी। उसकी अंतिम यात्रा में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि दाऊद के मुंबई में चलने वाले 1000 करोड़ रुपए के एम्पायर को हसीना पारकर ही संभालती थी। हालांकि हसीना ने कभी ये नहीं माना कि उसका दाऊद से कोई कनेक्शन है। मुंबई के नागपाड़ा में रहने वाले स्थानीय लोग उसे हसीना आपा के नाम से जानते थे। उस पर हवाला रैकेट चलाने के आरोप भी थे। बॉलीवुड फिल्म्स के विदेशी राइट की बिक्री, स्लम्स प्रोजेक्ट और केबल ऑपरेटर्स के कारोबार में भी हसीना की चलती थी। पुलिस की रिकॉर्ड के मुताबिक हसीना अपने भाई की 55 बेनामी प्रॉपर्टी की देखरेख करती थी। नागपाड़ा में 6 होटल, पीरखान रोड में गुडलक लॉज आदि शामिल है। हसीना पारकर के खिलाफ 88 केस रजिस्टर्ड थे, लेकिन बताया जाता है कि वो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कोर्ट गई थी। सूत्रों की माने तो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट में हसीना की दिलचस्पी बढ़ने के बाद उसकी कहानी में मोड़ आया था। इसी मामले में हसीना के खिलाफ एकमात्र शिकायत दर्ज हुई थी। बताया जाता है कि दाऊद अपनी बहन के इस बिजनेस से खुश नहीं था। दाऊद ने इसके लिए हसीना को मना भी किया था, लेकिन हसीना नहीं मानी। हसीना प्रॉपर्टी के मसले भी सुलझाने लगी। इसके लिए वो भारी कमीशन लेती थी। दाऊद के 10 भाई बहनों में हसीना का नंबर 7वां था। वह गार्डन हॉल इमारत के एक शानदार फ्लैट में रहती थी। लोग उन्हें गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा कहते थे। हसीना उस समय अंडरवर्ल्ड में आई जब अरुण गवली ने उनके पति की हत्या करवा दी थी। इसके बाद दोनों में सीधी तकरार हो गई। अब हसीना की कहानी को श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म हसीना के जरिए पर्दे पर लाया जा रहा है। श्रद्धा के हसीना लुक की काफी चर्चा है। अब देखना यह है कि फिल्म कितना चलेगी।